नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर से रिलेटेड है। क्वेश्चन में गिवन है व्हाट विल बी द मोस्ट सुटेबल कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री रजिस्टर ए इक्वल टू 2 ओम, बी इक्वल टू 4 ओम एंड सी इक्वल टू 6 ओम। ए बी सी तीन रजिस्टर है, इनका कॉम्बिनेशन 22/3 आना चाहिए। 22/3 ओम इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, कौन सा होना चाहिए? पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड सी कनेक्टेड इन सीरीज विद बी। तो हम यहाँ पर 1/1 चेक करके देखते हैं। पहला अगर हम देखें ए ऑप्शन के लिए हम देखें तो वो कह रहा है कि ए और सी का पैरेलल कॉम्बिनेशन, मतलब यहाँ पर हमने ए और सी पैरेलल में लगाए हैं और बी जो है उनके सीरीज में कनेक्टेड है। तो यहाँ पर होगा ए और सी पैरेलल में और 4 जो है वो सीरीज में आया। अब एक बार चेक करके देखते हैं तो इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना होगा, 2 × 6 / 2 + 6 + 4। इसे सॉल्व करके देखते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 12 / 8 + 4, मतलब कि 3/2 + 4। तो ये हो जाएगा 8 + 3, दैट इज़ 11/2। ओके, तो ये तो कॉम्बिनेशन नहीं है, तो ए ऑप्शन गलत है। ओके, बी वाला चेक करते हैं। बी वाले में कहाँ है उसने कि पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी एंड कनेक्टेड इन सीरीज विथ सी। तो हम यहाँ पर ए और बी को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पर ए मतलब कि 2 ओम, बी मतलब कि 4 ओम और सी मतलब कि 6, इसका कॉम्बिनेशन देखते हैं। तो इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन हम देखेंगे, 2 × 4/2 + 4 और यहाँ पर सीरीज में +6। पैरेलल कॉम्बिनेशन का फार्मूला पता है हमको, R1 R2 / R1 + R2 होता है। तो इट विल बी 8 / 6 + 6, तो ये हो जाएगा 4/3 + 6। हम इसे सॉल्व करेंगे तो 4 + 18/3, दैट इज़ इक्वल टू 22/3। ओ, यहाँ पर एग्जैक्ट आंसर आया है हमारा, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या होगा, बी ही करेक्ट आंसर है, तो सी और डी को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच।